आज मैं बनाने जा रही हूँ मटरों वाले चावल। उसके लिए हमें चाहिए 2 ग्लास चावल, 1 kg के करीब है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो चावल हैं वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं और अपना साइज़ जो है वो चेंज कर लेते हैं और बहुत अच्छे पकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने 1 ग्लास मटर ली है, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने स्लाइस में ब्रिक ब्रिक स्लाइस में काट लिया है। चंद टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और 7-8 जगह मैंने लहसुन के लिए हैं। इनको मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। और धनिया, इसके अलावा मैंने इसमें धनिया लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, मैं 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। व्यूअर्स, मैंने क्या किया है, कढ़ाई लिया, उसमें मैंने 2 कप मैंने ऑयल शामिल किया। अगर आप 2 ग्लास अगर चावल बना रहे हैं तो उसके लिए 2 कप ऑयल आपको रिक्वायर होगा। और उसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 कड़ी पत्ता और चंद काली मिर्चें। और ये इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी, अब इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये मैं अदरक लहसुन को ग्राइंड कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, और इसमें ये दो हरी मिर्ची भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो प्याज हैं ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया। व्यूअर्स, पानी का छींटा लगाने से ये होता है कि आपके चावलों में एक बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है और उसका तड़के का टेस्ट भी आ जाता है। व्यूअर्स, मैं एक अदर टमाटर यूज़ कर रही हूँ, ये टमाटर फ्रीज़र का है। इसको आप 1 मिनट टैप के नीचे और टैप खोल के इसके नीचे रखेंगे तो हल्का हल्का से इसको ऐसे मलेंगे तो इसका जो छिलका है वो रिमूव हो जाएगा। इसको मैंने काट लिया है और इसको मैं अदरक लहसुन हरी मिर्चों के साथ ही ग्राइंडर में ऐड कर दूंगी और इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। जी व्यूअर, जो मैंने अदरक हरी मिर्चें और लहसुन और 1 टमाटर लेके ग्राइंड किया था वो मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दी है पतीली में। अब मैं इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगी और इसमें मसाले ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ऐड 1 सॉल्ट, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए इसकी बनाई होते हुए, इसका ऑयल भी निकला हुआ है। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूंगी और मटर डालने के बाद मैं इसकी मज़ीद 5 मिनट भुनाई करूँगी।